to my channel biology bite and today we are going to discuss four smart study tips to study with full concentration friends this video is sponsored by blink the bee i could do anything you could do anything we can do everything blink it don't think it be you friends blink the bee us interesting टू डू लिस्ट बना सकते हैं बस मैसेजर में जाइए ब्लिंक द बी को ऐड करिए और ये बी जो कि एक्चुअल में एक बॉट है वो आपसे चैट करेगी और आपके लिए एक रिमाइंडर लिस्ट बना देगी डू होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन मेक नोट स्टडी फॉर एग्जाम वॉच बायोलॉजी बट ताकि फ्रेंड्स आप मुझे ना भूल जाए आप तो एक यूनिक वे में चीजें याद रखिए और नेट पर टाइम कम वेस्ट करिए यूजिंग ब्लिंक द बी और राइट फ्रेंड्स आप शौक होने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आपके हो जाएंगे फ्रेंड्स दिस इज माइक माइक हेडलेस चिकन माइक हेडलेस चिकन दुनिया का अकेला ऐसा एनिमल है जो बिना ब्रेन के दो साल तक जिंदा था पर फ्रेंड्स हमें जिंदा रहने के लिए ब्रेन तो चाहिए ही और उससे भी ज्यादा ब्रेन चाहिए पढ़ाई करने के लिए और ऐसा नहीं है कि हमारे पास ब्रेन नहीं है ऑल ऑफ अस हैव इनक्रेडिबल ब्रेन इन फैक्ट फ्रेंड्स हमारा ब्रेन इतना पावरफुल होता है दैट इट कैन एक्चुअली लाइट अ लाइट बल्ब तो फिर फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है कि जब एग्जाम आते हैं तो हमारा ब्रेन काम करना एकदम ही बंद कर देता है मतलब हम सब लोग ही टॉपर क्यों नहीं बन पाते फ्रेंड्स इसका रीजन है हमारी लेजीनेस मतलब हम लोग पहले ही सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में हम लोग खुद ही है सोचते हैं अरे यार मैंने इतने टाइम वेस्ट क्यों कर दिया और खुद ही गिल्टी फील करते हैं फ्रेंड्स आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सर्वे के हिसाब से हम लोग अपनी लाइफ का 25 इयर्स सोने में ही वेस्ट कर देते हैं सो हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम and study and how to smart study without making silly mistakes and क्योंकि mistakes कैन बी लीथल जैसे फेसबुक ने दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक की थीन को जॉब ना देकर डॉलर फेसबुक का लॉस पर फ्रेंड हमें तो स्टडी में ऐसा लॉस बिल्कुल नहीं चाहिए तो चलिए फ्रेंड सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉप फोर स्मार्ट स्टडी टिप्स स्मार्ट स्टडी टिप नंबर वन बोस्टन विजुअल attention ताकि आप लोग जो भी पढ़े ना फ्रेंड्स वो आपको हमेशा याद रहे टिप नंबर टू द लाइटनर मेथड फ्रेंड्स ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट टिप है इस मेथड से जैसे फिजिक्स के फॉर्मुला होते हैं मोलिकुलर वेट रहता है ये सब और डेट्स एग्जाम्पल ये सब बहुत ही जल्दी याद कर पाएंगे स्मार्ट स्टडी टिप नंबर थ्री द जीनियस आर जो मेथड गूगल यूज करती है प्रोडक्टिविटी के लिए और हमेशा की तरह एंड में होगी एक सरप्राइज ट्रिप्स आज के एकदम सरप्राइज है तो मैं भी शॉक हो गई थी टिप नंबर फोर प्लीज डोंट डू दिस कुछ स्टडी टिप्स ना एकदम यूजलेस होती हैं, जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए और ये जो लास्ट वाली टिप है ये आपको भी हर हाल में अवॉइड करनी है चलिए फ्रेंड्स स्मार्टनेस को इनवाइट करते हैं और मिस्टेक्स को भगाते हैं तो बिना समय लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मार्ट स्टडी टिप नंबर वन पॉस्टेंट विजुअल रिटेंशन ओके फ्रेंड्स क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने कोई डिफिकल्ट टॉपिक बहुत ही मेहनत से और बहुत ही टाइम देकर पढ़ाओ मतलब एकदम जान निकल गई गयी पढ़ते पढ़ते टॉपिक को, पर कुछ टाइम बाद ही पढ़ा हुआ सब दिमाग से गायब जैसे के वो देख ली और ये बचाना है और कोई भी चीज बहुत ही देर तक याद रखनी है तो उसके लिए ना एक सुपर ट्रिक है जो मैं भी पर्सनली फॉलो करती हूँ वो ये है की अगर आपने एक बार ना कोई भी चीज बहुत ही अच्छे से पढ़ ली हो तो आप क्या करिए नेक्स्ट डे स्कूल में जब फ्री टाइम हो जैसे लंच में या फिर कोई फ्री पीरियड हो या फिर घर वापस आने के बाद आप वो टॉपिक topic... एक बार स्किम थ्रू कर लीजिए मतलब फिर से दोबारा वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है जस्ट गो थ्रू द पेजेस दस हेडिंग कौन से पेज पे कौन से टॉपिक वो देख लीजिए पिक्चर्स एंड ऑल एवरीथिंग वो सब देख लीजिए पाँच छह मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पर इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स आपने जो भी एक बार अच्छे से याद किया था वो दोबारा स्किम थ्रू करने से आपको वापस सब कुछ याद आ जाएगा एक काइंड का, का आपका रिविजन हो जाएगा फ्रेंड्स ऐसा स्किम थ्रू आपको सेवन डेज एटलीस्ट करना है सेवन डेज इज द गोल्डन नंबर अब आप भी ऐसा सोच रहे होंगे की बस देखने से पेजेस और हेडिंग्स पढ़ने से

मेथड। फ्रेंड्स लाइटनर मेथड को इन्वेंट किया था जर्मन साइंस जर्नलिस्ट जर्नलिस्टेशन लाइटर ने 1970 में। फ्रेंड्स, ये मेथड ना फिजिक्स के फॉर्मुलाज मोलिक वेट एग्जाम्पल ये सब लर्न करने के लिए बेस्ट है क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है अगर फॉर्मूला का डिनोमिनेटर भी गलत हो जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और उसके बाद एकदम रोने जैसी फीलिंग आती है मैं तो नहीं चाहती आप इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग इस मेथड में स्पेस रेपिटेशन का यूज करेंगे याद करने के लिए अब इस स्पेस रेपिटेशन क्या होता है फ्रेंड्स स्पेस रेपिटेशन में आपको जो भी याद करना है वो आप एक फ्लैश कार्ड पर लिख लीजिए कार्ड के एक साइड में क्वेश्चन आ जाएगा और दूसरी साइड

दूसरा सेट इजी तो डिफिकल्ट को फ्रेंड्स आप हर रोज़ प्रैक्टिस करिए और जो इजी सेट ऑफ कार्ड्स है उसको बस संडे को प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स इससे तीन चीजें होंगी सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन आंसर करने की प्रैक्टिस हो जाएगी सेकेंडली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको अपनी वीकनेसेस पता चलेंगी फ्रेंड्स आप फ्लैश कार्ड ना पेपर से बना सकते हैं आराम से कट करके वैसे मैं पेपर ज्यादा बनाती नहीं दुकान से खरीदती हूँ क्योंकि जब मैं पेपर से बनाती हूँ वो सेम साइज के नहीं कटते हैं दुकान से एकदम तो आपको कलरफुल भी मिल जाएगा आप ऑनलाइन भी फ्लैश कार्ड खरीद सकते हैं मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में ओके फ्रेंड्स टिप नंबर द जीनियस आर ऐसे तो हम लोग सब जानते हैं कि गूगल एक बहुत ही टॉप की टेक्नोलॉजी कंपनी है पर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि गूगल की प्रोडक्टिविटी का एक सीक्रेट है जिसे गूगल कहती है जीनिएस आर इस जीनियस आर में गूगल अपने एम्प्लॉइज को ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टाइम फ्री देती है ऑफिस का जिसमे वो कुछ भी कर सकते हैं जो भी उनका मन करे एनी प्रोजेक्ट दैट देआर अबाउट अगर

एक्टिविटी को ओके okay फ्रेंड्स तो अब हम लोग आ गए अपने सबसे शॉकिंग टिप पे टिप नंबर फोर प्लीज डोंट डू दो दिस साइंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी स्टडी टिप्स है ना जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है और इन टिप्स में से नंबर वन है Highlighting. Sadly, highlighting से मेमोरी पे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है हाँ मुझे पता है मैं भी उनके बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि मैं एक सीरियल हाईलाइटर हूँ मतलब मेरी नोटबुक पे हर चीज कलरफुल है हाईलाइटिंग से आपका टेक्स्ट थोड़ा प्रेजेंटेबल तो थो दिख सकता है पर उसका पढ़ाई पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा तो दूसरी स्टडी टेबल जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है वो ये है। समरी याद करना तो फ्रेंड्स समरी रखने में प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए और हाइलाइटर लाइटर खरीदने में पैसा मत खर्च करिए मेरी तरह और राइट फ्रेंड तो ये थे वीडियो ऑन स्मार्ट स्टडी टिप्स टू स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज योर मेमोरी और आज का कोट ऑफ द डे जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ वो ये है बट इफ यू टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हाँ, तो प्लीज इसे शेयर करिएगा बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाइट